हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हमारा लेसन नंबर 12 है उड़ान, वो हम आज पढ़ेंगे. ओके, तो ये उड़ान चैप्टर है वो किसने लिखा है? डॉक्टर विश्वंभर राय ने. तो इसके लेखक कौन है? डॉक्टर विश्वंभर राय. ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी फेयर बुक में लेसन नंबर 12 का हेडिंग देना है उड़ान, एंड देन आपको शब्दार्थ लिखने हैं. ओके, तो चलो हम सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं. तो फर्स्ट है बगिया. बगिया मीन्स की उपवन, बाग, गार्डन. ओके, बगिया मीन्स की गार्डन. देन कोमल. कोमल मीन्स की नाजुक, सॉफ्ट. देन कोटर. कोटर मीन्स की पेड़ का खोखला भाग, हेलो ऑफ अ ट्री. देन मासूम. मासूम मीन्स की भोला भाला, दया का पात्र. मासूम मीन्स की इनोसेंट. ओके, देन चूजा. चूजा मीन्स की चिड़िया का बच्चा, चाइल्ड ऑफ स्पैरो. चूजा मीन्स की चिड़िया का बच्चा, छोटा सा होता है ना, उसको चूजा बोलते हैं, चाइल्ड ऑफ स्पैरो. ओके, देन आजाद. आजाद मीन्स की स्वतंत्र, फ्रीडम. देन भोर. भोर मीन्स की सुबह. क्या? भोर मीन्स की सुबह, मॉर्निंग. देन उदास. उदास मीन्स की दुखी, सैड. देन बर्बाद. बर्बाद मीन्स की नष्ट, डिस्ट्रॉयड. देन रुकावट. रुकावट मीन्स की अड़चन, ऑब्स्टिकल. देन अपाहिज. अपाहिज मीन्स की अपंग. क्या? अपंग, डिसेबल्ड. देन जरूरी. जरूरी मीन्स की आवश्यक, नेसेसरी. ओके, तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ. तो अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं. तो परी एक 8 साल की लड़की थी. तो ये लेसन है उसमें एक परी थी, एक लड़की थी, है ना, छोटी सी. तो परी है वो एक 8 साल की लड़की थी. एक दिन वह माँ की पूजा के लिए बगिया से फूल लाने गई थी. तो परी कितने साल की थी? 8 साल की थी, 8 ईयर्स की थी. ओके, और वो एक दिन माँ के पूजा के लिए वो बगिया मीन्स की गार्डन में से फूल लाने गई थी माँ की पूजा के लिए. जब वह फूल चुन रही थी तब एक पुराने पेड़ के कोटर से उसे ची ची की आवाज़ सुनाई दी. तो जब वह एक दिन कहाँ गई थी परी? बाग में मीन्स की गार्डन में फूल लेने गई थी. किसके लिए? माँ की पूजा के लिए. तो जब वो फूल चुन रही थी, मतलब कि जब वो फूल तोड़ रही थी, तब उसको एक पुराने पेड़ के कोटर, कोटर मीन्स की ऐसा होता है, हेलो ऑफ अ ट्री, ऐसा देखो, है ना, उसको कोटर बोलते हैं. तो एक पुराने पेड़ के कोटर से उसे चीची की आवाज़ सुनाई दी. जब वो फूल तोड़ रही थी तो उसे एक पेड़ के कोटर से उसे चीची की आवाज़ सुनाई दी. फूल चुनना छोड़ वह भागी भागी पेड़ के पास गई और कोटर में झांक कर देखने लगी. तो परी तो क्या कर रही थी? फूल तोड़ रही थी, है ना, तो उसको चीची की आवाज़ सुनाई दी पेड़ के कोटर से, इसीलिए उसने तो फूल चुनना, मतलब कि फूल तोड़ना छोड़कर वह तो भागी भागी दौड़कर वो पेड़ के पास गई और कोटर में झांकने लगी, मतलब कि वो देखने लगी कि कहाँ से आवाज़ आ रही है. वहाँ कई चूजे मुंह खोले चीची कर रहे थे, शायद वे भूखे थे और माँ को पुकार रहे थे. तो उसने देखा कि
कई चूजे मुंह खोले चींची कर रहे हैं। तो परी ने क्या देखा क्वार्टर में कि कई चूजे मुंह खोलकर चींची कर रहे थे और वो उसने सोचा कि शायद वे भूखे थे और अपनी माँ को पुकार रहे थे। परी जल्द ही माँ को फूल देकर वापस लौटी। तो परी माँ के लिए फूल तोड़ने आई थी ना, इसलिए परी जल्दी से माँ को फूल देकर वापस लौटी। चिड़िया के कोमल मासूम बच्चे उसे बड़े प्यारे लग रहे थे। तो चिड़िया के कोमल मतलब कि सॉफ्ट सॉफ्ट छोटे से बच्चे उसको बड़े ही प्यारे लग रहे थे, इसलिए वो जल्दी जल्दी माँ को फूल देकर वो चिड़िया के चूजे थे उसके पास वापस आ गई और उसको वो छोटे छोटे बच्चे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। शायद अंडे का खोल तोड़कर आज ही बाहर निकले थे। तो परी ने क्या सोचा कि ये शायद अंडे का खोल तोड़कर आज ही बाहर निकले थे, इतने छोटे छोटे थे। लेकिन यह क्या एक अंडा तो अभी वैसा ही पड़ा है, इसका चूजा अभी तक बाहर क्यों नहीं निकला, परी सोचने लगी। तो परी ने देखा कि सारे अंडे में से चूजे बाहर आ गए हैं, पर एक अंडा तो अभी वैसा ही पड़ा है, इसका अब चूजा अभी तक बाहर क्यों नहीं निकला, ऐसा परी सोच रही थी। अब तो फूल चुनने के बहाने परी रोज रोज उन्हें देखने आने लगी। तो अभी तो हर रोज़ फूल तोड़ने के बहाने परी रोज़ रोज़ वो चूजे को देखने के लिए आने लगी। कई दिन बीत जाने के बाद भी जब चूजा अंडे से बाहर नहीं निकला तो परी को चिंता होने लगी। तो कई दिन बीत गए थे, बाकी सारे अंडे में से चूजे बाहर निकल गए थे और अभी कई दिन बीत चुके थे और बीत चुके तो भी चूजा अंडे से बाहर नहीं निकला तो परी को चिंता होने लगी। एक अंडा वैसा का वैसा ही पड़ा था, उसमें से चूजा बाहर नहीं निकला था, इसलिए परी को चिंता होने लगी। आखिर एक दिन अंडे का खोल टूटा लेकिन चूजा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। लगातार 7 दिन बीत जाने के बाद भी जब चूजा अंडे से बाहर नहीं आया तो परी सोच में पड़ गई। आखिर वह अंडे से बाहर क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात हो सकती है। परी को उस रात नींद नहीं आई। अचानक एक विचार ने उसे खुश कर दिया। तो अभी तक वो अंडे में से चूजा बाहर नहीं निकला था, तो अभी लगातार 7 दिन बीत जाने के बाद भी जब अंडे में से चूजा बाहर नहीं निकला, देखो वो अंडे का खोल है वो तो एक दिन, कितने दिन बीत गए फिर भी वो अंडे में से चूजा बाहर नहीं आया था। लेकिन आखिर एक दिन अंडे का खोल टूट गया, क्या अंडे का खोल टूट गया, लेकिन फिर भी चूजा उसमें अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर लगातार 7 दिन बीत जाने के बाद भी जब चूजा अंडे से बाहर नहीं आया, खोल तो टूट गया था अंडे का, पर 7 दिन बीत गए फिर भी अंडे में से चूजा बाहर नहीं आया, तो परी सोच में पड़ गई कि आखिर अंडे से बाहर क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात हो सकती है। परी को उस रात नींद नहीं आई, वो सोचती ही रही, उसको नींद नहीं आई। अचानक उसे एक विचार ने खुश कर दिया। भोर होते ही वह भागी भागी पेड़ के कोटर के पास गई और फौरन अपने हाथों से अंडे का खोल पूरा तोड़ दिया। भोर होते मतलब कि सुबह होते ही वह भागी भागी वो पेड़ के कोटर के पास गई और फौरन उसने अपने हाथों से अंडे जो आधा खोल टूटा हुआ था वो, पर फिर भी अंडा वो चूजा बाहर नहीं आया था, इसलिए परी ने फौरन अपने हाथों से अंडे का खोल पूरा ही तोड़ दिया। अब चूजा आज़ाद था, तो अभी उसने तो पूरा खोल तोड़ दिया और अभी चूजा आज़ाद था। उसे आज़ाद देखकर परी बड़ी खुश हुई। तो उसको आज़ाद देखकर परी है
वो बहुत ही खुश हुई। कुछ और दिन बीतने के बाद परी फिर उदास रहने लगी। कुछ और दिन बीत गए तो फिर भी परी उदास रहने लगी। जब वह देखती कि माँ के आने के बाद जहाँ दूसरे बच्चे मुंह खोलकर दाना चुगने के लिए बेचैन हो जाते हैं, तो परी ने क्या देखा? वो किस लिए उदास रहने लगी? क्योंकि उसने देखा कि वो माँ के आने के बाद जहाँ दूसरे बच्चे मुंह खोलकर दाना चुगने के लिए, मतलब कि खाना खाने के लिए बेचैन हो जाते हैं, वही यह एक तरफ चुपचाप पड़ा रहता, न हिलता न डुलता न चीची करता। बाकी बच्चे क्या करते हैं? उसकी माँ को देखकर खाने के लिए चीची करने लगते और अपना मुंह खोलकर वो दाना जो लाई होती है वो खाना खाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। पर ये चूजा तो एक तरफ चुपचाप पड़ा रहता, न हिलता न डुलता न चीची करता। दूसरे बच्चे तो 5-6 दिनों में ही उड़ने लगे थे। तो दूसरे बच्चे थे वो तो 5-6 दिन हो गए तो ही उड़ने लगे थे। इसे आखिर क्या हो गया है? यह क्यों नहीं उड़ पा रहा है? उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो परी तो सोचने लगी कि इसे आखिर क्या हो गया है, यह क्यों नहीं उड़ पा रहा है। परी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक रोज़ लेटे लेटे वह कुछ सोच रही थी कि तभी वह उठकर बैठ गई। तो एक दिन परी लेटे लेटे कुछ सोच रही थी कि तभी वह उठकर तुरंत बैठ गई। चूजे का जीवन और किसी ने नहीं, मैंने बर्बाद किया है। तो परी क्या सोच रही थी और वो तुरंत उठकर बैठ गई। और उसने सोचा कि चूजे का जीवन किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही बर्बाद किया है। मैंने जीवन भर के लिए उसे अपाहिज बना दिया है। परी क्यों ऐसा बोल रही थी? क्योंकि उसका जो खोल था वो पूरा परी ने तोड़ दिया था, है ना। इसलिए परी को ऐसा लगा कि मैंने ही उसे जीवन भर के लिए अपाहिज बना दिया है। यदि वह स्वयं खोल की रुकावट को हटाने का प्रयास करता तो आज वह भी अन्य चूजों की तरह उड़ान भर रहा होता। तो परी ने क्या सोचा कि वह खुद ही अपनी खोल की रुकावट है, वो खोल है उसका, अंडे का खोल था, वो खुद ही हटाने का प्रयास करता तो वह भी अन्य चूजों की तरह उड़ान भर रहा होता, मतलब कि वो भी बाकी चूजे की तरह उड़ रहा होता। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। परी पछतावे में जल रही थी। परी को बहुत ही पछतावा हो रहा था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था ना कि वो चूजे का जीवन उसने ही बर्बाद किया था। इसलिए परी को बहुत ही पछतावा हो रहा था। अब उसे यह बात समझ में आ गई थी कि सफलता की उड़ान भरने के लिए जीवन की रुकावटों को स्वयं पार करना जरूरी है। तो परी को अभी क्या समझ में आ गया कि हमें सफलता की उड़ान भरने हैं तो हमारे जीवन की रुकावटों को हमें स्वयं ही पार करना ज़रूरी है। अगर कोई हमारी हेल्प करता है, कुछ भी काम करने में हमारी हेल्प करता है, हम स्वयं नहीं करते हैं तो वो हम सीख नहीं पाएंगे, वो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमें कुछ काम में प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमें ही सॉल्व करना है तो भी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए ये लेसन में से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें सफलता की उड़ान भरनी है तो जीवन में जो भी रुकावट आए उसे हमें स्वयं पार करना चाहिए तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 12 फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।